नैनीताल से। उत्तराखंड के नैनीताल में सेवन साइड फुटबॉल का टूर्नामेंट कल से आरंभ होना है, जिसमें भारतवर्ष से लगभग सभी राज्यों की टीम हिस्सा ले रही है। यह कार्यक्रम 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में नैनीताल की चीफ जस्टिस शामिल होंगे, जिसमें जीतने वाली टीम को 31,000 और दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 21,000 का पुरस्कार दिया जाएगा और बाकी सभी टीमों को सांत्वना पुरस्कार देकर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी सेवन साइड फुटबॉल के प्रमुख रविंद्र कुमार ने मीडिया को दी है। इस सेवन साइड नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ से सरोज सारथी, मुरली नायर, देव खटौल महाराष्ट्र से पास्कल दादा, यूपी झारखंड से संजीव कुमार, अजीत पासवान सहित पूरे भारत के ऑफिशियल नैनीताल में मौजूद रहे। हर रंग की कुड़ी दिखा दी गई। हाँ 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 तो दीवाल है, दीवार लगा 7 इंच बताओ। लोकेशन ये सारथी जी, ये टूर्नामेंट ऑल इंडिया सेवन साइड फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में हो रहा है और इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहा है चीफ जस्टिस फाउंडेशन करवा रही है इसको। और उसमें क्या है कि हमारे यहाँ 8 टीम स्टेट बाहर से आई है और 12 टीम हमारी लोकल की है, अल्मोड़ा और रामनगर, हल्द्वानी, बाकी टीम नैनीताल की है। और इसमें क्या है कि हमारा विजेता उपविजेता के जो हमारे हैं उनको 21,000 रुपये कैश प्राइज है। कल जो ओपनिंग हमारी होनी है उसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब ओपनिंग करेंगे और मैं भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि गवर्नर साहब को लेटर दिया है, उन्होंने हामी दे दी है, अब उनका कन्फर्मेशन आएगा तब फाइनल का कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हमारे गवर्नर साहब फाइनल में आ रहे हैं मैच के लिए। सर ये 26 तारीख को स्टार्ट है हमारा और 29 तारीख को हमारा इसका फाइनल है।